आज जो है हम प्रोफाइल प्रोजेक्टर के बारे में देखेंगे। प्रोफाइल प्रोजेक्टर कैसे वर्क करता है, किस प्रिंसिपल पे ऊपर वर्क करता है। तो बेसिकली क्या है, प्रोफाइल प्रोजेक्टर क्या एक ऑप्टिकल कंपैरेटर है। कोई भी चीज़ आपको पता, आप वर्नियर कैलिपर लेते हैं, हाइट गेज लेते हैं, तो आप लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं। बेवल प्रोटेक्टर हो गया, डिग्री प्रोटेक्टर हो गया, एंगल मेजरमेंट करता है। यहाँ पे जो है इस प्रोफाइल प्रोजेक्टर के थ्रू आप लीनियरली और एंगुलर मेजरमेंट दोनों कर सकते हैं, बिना विदाउट टच आप अपने इंस्ट्रूमेंट विदाउट अपने जॉब को छुए आप जो है आप इंस्ट्रूमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या आपकी इसकी मेजरमेंट है। अब हम देखते हैं प्रोफाइल प्रोजेक्टर का क्या क्या कंपोनेंट्स के नाम है। ये आपका स्क्रीन है, इसे हम स्क्रीन कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, आपकी स्क्रीन जो है आपकी लाइट जो आती है जो विद हेल्प ऑफ इसकी मैग्निफिकेशन पावर की वजह से सारी शो होती है। ये आपकी स्क्रीन है, ये आपका एडजस्टेबल करने के लिए होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगल सारे डिग्री 30 से लेकर 360 डिग्री तक के एंगल दे रखा है। आप एंगल भी इसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। ये आपका फोकसिंग लेंस है, ये जो आप जो है मैग्नीफाइंग लेंस है। यहाँ आप देख रहे हैं 10x लिखा हुआ है, तो इसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, 10x है। आप 20x चाहिए तो 20x कर सकते हैं, 50x चाहिए तो 50x। तो ये टरेट का रोटेशन है, ये मैग्नीफाइंग टरेट है। आप जिसके हिसाब से जैसे आपकी नीड है जॉब की, उस नीड के अकॉर्डिंग जो है आप इसको टरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका वर्क टेबल है, नॉर्मली इसी वर्क टेबल पे ही आपका जो है कोई भी वर्क पीस जो है जो आप मेजरमेंट करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को आप यहाँ पुट कर सकते हैं, रख सकते हैं और आप रीडिंग ले सकते हैं। ये आपका एडजस्टेबल के लिए एक्स एक्सिस में करना है एडजस्टेबल, तो एक्स एक्सिस में करना है। वाई एक्सिस में करना है तो इस थ्रू आपका यहाँ पे स्क्रीन के थ्रू देख रहे हैं ये आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। अभी आपका फोकसिंग है, ये आपका हैंड व्हील दिखाई दे रहा है, फोकसिंग करता है किस हिसाब से आपको फोकस चाहिए उस हिसाब से जो है आपको इसको एडजस्ट करता है। अब यहाँ जो है आपका कंट्रोल पैनल है, आपका कंट्रोल पैनल में आपको लाइट ऑफ करना है तो लाइट ऑफ हो जाएगा, ऑन करना है तो नीचे वाली लाइट ऑफ ऑन हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये दो लाइट लग रहा है, ये लेंस है, यहाँ पे ये लाइट जो है टॉप पोर्शन का इल्यूशन लाइट है जो आपकी जॉब के ऊपर स्प्रे करता है। साथ में आप यहाँ बॉटम तरफ देख सकते हैं, यहाँ नीचे की तरफ जो है यहाँ से भी नीचे की तरफ से भी लाइट आ रही है। ये आपका DRO है, इस DRO में जो है आपकी रीडिंग शो होती है और कैसे कैसे आपकी रीडिंग शो होती है। अब ये आपका एक बोल्ट है, इस बोल्ट का जो है देख रहे हैं आप थ्रेड टेक्नोलॉजी आपके बारे में पड़ता है, तो अब बोल्ट का जो है हम थ्रेड के बारे में देखेंगे, इसका पिच कितना है, इसका एंगल कितना है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं, इसको मेजर करके देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले आप सब फर्स्टली क्या करेंगे, आपका जो बोल्ट है या कोई भी जॉब है उसको प्रॉपरली आप क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के लिए आप जो है आप किसी भी कॉटन से आप क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने के बाद कोई भी बर ना हो इस जॉब में, कोई भी ऑयली सरफेस ना हो, क्लीन करने के बाद काफ़ी इजीली तरीके से आप ये माउंट करेंगे। यहाँ पर माउंट करेंगे तो यहाँ क्या है, आप देख रहे हैं बर्फ भी बीच में आ रहा है, तो बर्फ को भी आप मैग्नेट करके आप मेजर कर सकते हैं। माना कि आपको पिच मेजर करना है कि यह इस बोल्ट की पिच कितनी है, तो फर्स्टली क्या करेंगे, जहाँ से आपको मेजर करना है या हमने क्रेस्ट पे ले गए, आपको पता है कि ये आपकी टेक्नोलॉजी आपने पढ़ा होगा, ये आपका क्रेस्ट होता है, ये आपका रूट होता है ना। मेजर डाया आप पढ़ते हैं, माइनर डाया पढ़ते हैं, पिच डाया आप निकालते हैं, स्क्रू पिच गेज से आप पिच डाया भी निकालते हैं। तो हम जो फर्स्टली इसका पिच चेक करते हैं कि इस थ्रेड की पिच कितनी है। तो हमने इसको टॉप मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे ले गए, ये आपके एक्सिस देख रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे वर्क कर रहा है, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, बीच में सेंटर, जो भी रीडिंग लेंगे आप सेंटर पॉइंट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो आपको पिच मेजर करना है, तो यहाँ पे हमने क्रेस्ट पे ले गए, यहाँ पे टच किया हमने, टच करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं X0 Y0 में, तो इसको आप जीरो कर करेंगे, सारी चीज़ को आप जीरो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आपको लाइन मेजर करना है तो आपको लाइन यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि लाइन के लिए आपको क्या होता है, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को ही हम लाइन कहते हैं। तो यहाँ दिख रहा है प्रोब लाइन पुश लाइन एट दो पॉइंट, तो हमें दो पॉइंट ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे 1 पॉइंट ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे हमने क्रेस्ट पे रख लिया है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे, तो हमने एंटर कर लिया। अब यहाँ पे डिस्प्ले में हो रहा 1 मोर पॉइंट, तो मतलब आपको एक और पॉइंट यहाँ पे लेना है,
कब यहाँ दिख रहे हैं, क्रेस्ट आप पर क्या होता है, वन टिप से करस्पॉन्डिंग अनदर टिप के बीच की डिस्टेंस को ही आप क्या कहते हैं, यहाँ पिच कहते हैं। अब एक हमने पॉइंट ले लिया, दूसरा पॉइंट को हम ये एक्स एक्सिस को स्लाइटली मूव करेंगे और मिड पे आप ले जाएंगे। मिड पे ले जाएंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप, मिड पे ले गए यहाँ पे, तो यहाँ देख रहे हैं 2 mm की पिच आ रही है। तो इस बोल्ट की आपकी पिच कितनी आ रही है, 2 mm। तो यहाँ पे फिनिश कर देंगे, फिनिश करना है तो फिनिश कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं 2 mm की जो है आपकी पिच आ रही है एग्जैक्ट। यहाँ देख रहे थे इसकी एक्यूरेसी की बात करें, इसकी लीस्ट काउंट अगर देखा जाए तो 1.001 mm है, मतलब 1 micron जो है इसकी लीस्ट काउंट है। जैसे जैसे हम आगे ले जाएंगे तो ये रीडिंग शो हो रही है, तो मतलब आफ्टर 0.1 डिजिट के बाद जो है 3 decimal ये वर्क करता है। मतलब इस प्रोफाइल प्रोजेक्टर की अगर लीस्ट काउंट पूछा जाए लीनियर वे में, तो इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, 1 micron या फिर आपकी 0.001 mm। ये हमने आपको बताया पिच कैसी मेजर करते हैं। अब इसी बोर्ड की आपको जो है आपका मेजर डाया मेजर करना है, तो मेजर डाया मेजर करने के लिए पहले तो आपने इसको प्रॉपर सही तरीके से आपको रखना है। हमने सही तरह से इसको सेंटर मैच कर दिया, फिर जो भी रीडिंग थी आपकी पहले वाली सबको 0-0 कर देना। इसके बाद अब आपको पिच मेजर करना है तो आप इसको नीचे की तरफ जाना है, तो इसको वाई एक्सिस को हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ देख रहे हैं जो चीज़ आप ऊपर की तरफ ले जा रहे हो वाई एक्सिस वाले मेजर कर रहे हो, तो वाई एक्सिस ही आपको ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अभी सिचुएशन में हम यहाँ पर गए, अब इसको पिच को मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रॉपरली जो है यहाँ पे देखें, प्रॉपर सही तरीके से आपको ये लेके चलना है। मेजर डाया कितना आ रहा है यहाँ देखेंगे कभी तो पूरा जो है ये पूरा थ्रेड जो है एक दूसरे को टच करना चाहिए, तो जितना पॉसिबल आप टच कर सकते हैं टच करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके थ्रेड जो है इससे टच हो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन से। तब यहाँ देख रहे हैं मैक्सिमम हमारा नंबर ऑफ थ्रेड जो है टच कर रहा है। इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं वाइट रेडिंग कितनी आ रही है, 12.211। तो ये आपका मेजर डाया हो गया, ये आपका मेजर डाया हो गया। अब इसी जॉब का आपका थ्रेड का एंगल चेक करना है, तो एंगल चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे गए और फोकस करना है। अगर लग रहा है कि आपको और फोकस करना है, तो ये फोकसिंग व्हील है, इस फोकसिंग व्हील को आपने अकॉर्डिंग जो एडजस्ट कर लें। अब हमारा स्क्रीन प्रॉपर क्लियर हो रहा है। अब आपको पता है एंगल मेज़र करने के लिए आपको 2 लाइन चाहिए, बिना 2 लाइन के आप एंगल मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए जो है एंगल मेज़र करने के लिए हमने यहाँ पे ले गए सेंटर ओरिजिन को, और फिर हमने यहाँ पर सारी वैल्यू को 0-0 कर दिया। अब आपको एंगल मेजर करना है, तो यहाँ सारी चीज़ देख रहे हैं, पॉइंट है, लाइन है, सर्कल है, डिस्टेंस है, एंगल है, और तो और स्क्यू है। तो आपको एंगल मेजर करना है, तो हमने एंगल पे क्लिक किया, तभी कह रहा है पुश 0.3 पॉइंट एवरेज, तो 3 पॉइंट लेने हैं तभी आपका एंगल बताएगा। तो हमने यहाँ पे ओरिजिन को ले गया और फिर हमने यहाँ पे एंटर किया, आपने पॉइंट वैल्यू एंटर कर दिया, तो फर्स्ट लाइन जो है आपने पुट कर दिया। फिर दूसरा पॉइंट आपको लेना है, तो यहाँ हमने दूसरा पॉइंट को एंटर कर दिया। वन मोर पॉइंट मीन्स एक पॉइंट और आपको लेना है, तो यहाँ पे हमने वन मोर पॉइंट पे एंटर किया। अब यहाँ पे शोरा सेकंड लाइन, तो सेकंड लाइन के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए फिर से, तो हमने 2 पॉइंट के लिए हमने यहाँ पे ले गए सेंटर पे। यहाँ देखें प्रॉपर ओरिजिन ये मीट होना चाहिए प्रॉपर तरीके से, फिर इसको हम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ सो रहा वन मोर पॉइंट, एक और पॉइंट को हम यहाँ पे ले जाके मेजर कर सकते हैं और इसको हम पुट पॉइंट कर देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं अप्रॉक्स 62 आ रहा है, लेकिन हम मैट्रिक फॉलो करते हैं, मैट्रिक सिस्टम, तो हमारा 60 होगा।
तो हमारी हमने रीडिंग में हमने कुछ मिस्टेक किया है, तो उसको हम प्रॉपर सही तरीके से हम फोकस करेंगे, ये आपकी रीडिंग आपकी 60 के अप्रोक्स आएगी, ठीक है। तो आपका अभी 62 आ रहा है, मीन्स 2 डिग्री आपने आपकी डायमेंशन जब लिया है आपने करेक्ट नहीं लिया है। तो इसको आप जैसे जैसे आप वर्क करेंगे तो आपकी क्या एक्यूरेसी, आपकी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करने का तरीका धीरे धीरे इम्प्रूव होता रहेगा। अब जो है अब किसी पार्ट का होल का रेडियस चेक करना है, इसका डाया माने आपका ये पार्ट है, इस पार्ट का आपका रेडियस चेक करना है कि रेडियस कितना है, डाया कितना है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्टली इस पार्ट को हम क्लीन करेंगे, मशीनिंग हो चुका है तो प्रॉपर क्लीन करेंगे सही तरीके से। क्लीन होने के बाद जब आपका पूरा वर्क पीस क्लीन हो जाए, फिर उसके बाद जो है आप इस सरफेस के ऊपर रखेंगे, इसे भी क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद आप यहाँ पे रखेंगे प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से फोकस करने की ज़रूरत है तो फोकस करें, देख रहे हैं, फोकस करने की जरूरत है फोकस करें। अब आपको पता है सर्कल करना है, तो सर्कल करने के लिए कम से कम 3 पॉइंट चाहिए, तो आप 3 पॉइंट यूज़ करेंगे। तो ये इसको पहले 0-0 कर लें सारी चीज़ को। अब सर्कल कमांड देना है तो हम सारी चीज़ को कम पॉइंट को 0 कर लेंगे। अब सर्कल कमांड दे रहा है तो कह रहा है पुश 3 पॉइंट सर्कल, मतलब सर्कल बना, सर्कल अगर ऐड करना है तो आपको 3 पॉइंट देने पड़ेंगे। तो हमने किसी भी सर्कल के कोई भी 3 पॉइंट को आप ले सकते हैं। अब हमने 1 पॉइंट लिया है तो इसको हमने ले लिया सेंटर पे, अब इसको हम पुश कर दें, एंटर कर देंगे। अब यहाँ शो रहा है 2 मोर पॉइंट, तो कोई भी और 2 पॉइंट हम ले सकते हैं सर्कल का, और कोई 2 पॉइंट आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिया और फिर एंटर कर दिया, शो रहा 1 मोर पॉइंट। इसके बाद जो है आप यहाँ पे दोबारा से जो है इसको आप एक पॉइंट पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले गए और इसको एंटर कर दिया, फिनिश। तो इसका देख रहे हैं आप इसकी इसका रेडियस आपका कितना आ गया, 10.00, ये आपका रेडियस हो गया। डाया कितना हो गया, 20। तो इस तरह से जो है आपका प्रोफाइल प्रोजेक्टर वर्क करता है। तो इसको जो है ऑप्टिकल कंपैरेटर भी बोलते हैं, कई लोग जो है इसको जो है शैडो कंपैरेटर, शैडो ग्राफ के थ्रू भी इसका इस्तेमाल करते थे। पहले जो है यहाँ पे ग्राफ आता था, उस ग्राफ के थ्रू आप मेजर करते थे, अभी आपका डिजिटल है, DRO के थ्रू सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आपकी लेंस, जो आपकी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग जो है आप इस लेंस को चेंज कर सकते हैं। 2x है तो इसकी रेजोल्यूशन पावर 20 times हो गया, अभी हम 10x मिले थे तो इसका रिजोल्यूशन पावर कितना है, 10 times इसका ज़्यादा है, ठीक है। इस तरह से जो आप वर्क पीस को, किसी भी वर्क पीस को आप इजीली आप मेजर कर सकते हैं विदाउट टचिंग। ये आपका ऑप्टिक्स सिस्टम पे वर्क करता है, रे ऑप्टिक्स जैसे आपने पढ़ा था लाइट के प्रिंसिपल पे ही वर्क करता है, इसी की रिफ्रैक्शन इसको लेंस को दे देता है और इस लेंस के थ्रू ही आपका मैग्नीफाई करता है। ओके थैंक यू, हो गया जी 13 मिनट का, देखना क्या होगा।